मैं बोलू लाइव जी जनाब, तो आप साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस शामिल करते हैं और साथ साथ आप लोग सोच रहे होंगे वैसे इशाल खान को क्या हो गया, सॉन्ग बहुत चेंज चेंज प्ले करती है आजकल। तो जनाब किसी का असर हो गया मेरे पे, किसका असर हुआ है? किसी का भी असर नहीं हुआ मेरे पे, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि ट्रैक चेंज करते हैं जनाब, के सैड सैड सॉन्ग बहुत हो गए हैं, अब मैंने चिल चिल रहना है। हिना को भी मैंने यही कहा, हिना कहती है तू खराब होती जा रही है, कौन से सॉन्ग प्ले करती है, कभी ये सॉन्ग प्ले करती नहीं थी और अब तू कौन से सॉन्ग प्ले कर रही होती है। देन मैंने कहा हिना चेंज जरूरी होता है बंदे की लाइफ में, पर आपने बताना है जनाब के बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। कुछ लोग बोझ बन के रह जाते हैं, कुछ लोग याद बन कर रह जाते हैं। आपने ये बताना है कि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है, आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर, और बताने का तरीका यहाँ पर जहाँ ट्रैक चेंज करते हैं, बारिश सॉन्ग लगाते हैं जनाब लाल शहीद की आवाज में, और उसके बाद आपको हम बताते चलो फेसबुक से भी हम लाइव आ रहे हैं, वहां से भी आप अपने प्रेम पत्र मुझे भेज सकते हैं, और अभी आप लोग के मैसेजेस शामिल करते हैं यहाँ पर, मैसेज शामिल करने से पहले जनाब मैं अपनी बात पूरी कर दूं जो हम पहले कर रहे थे। बात थी हमारी जनाब की सलाहियत कहते हैं कि कभी बांझ नहीं होती, तो मेरी बात जनाब यहाँ पर थी कि हम ही निकम्मे हैं, हम में ही कोई हुनरबंदी होती तो हुकूमत जो काबिल लोगों की तलाश में दर बदर ना फिर रही होती। मोहतरम इमरान खान साहब ने वजीर आजम बनने से पहले दर्जनों बार ऐलान किया कि पाकिस्तान की तकदीर सिर्फ 200 बासलाहियत लोगों के हाथों में है। 200 बासलाहियत लोग जो हैं वो पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं, मगर हमारे अंदर जनाब वो 200 काबिल लोग ही नहीं मिल सके। कितनी कोशिशें की, कितने जी जनाब गला खराब हुआ पड़ा, खांसी आ रही है इसीलिए अंदर अंदर से बहुत लंबी लंबी आज ब्रेकें ले रही हूँ, माजरत। तो बात हो रही थी हमारे जनाब के पाकिस्तान की तकदीर 200 बासलाहियत लोग बदल सकते हैं, लेकिन हम निकम्मे लोग हम 200 काबिल लोग नहीं दे सके अभी तक। कितनी कोशिश की हुकूमत ने भी, कितने लोग आजमाए मगर बेसूद, पहले वजीर खारजा या वजीर खजाना सॉरी के 7 माह तक अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाते रहे मगर कोई कारनामा अंजाम ना दे सके, महंगाई रुक सके ना, महंगाई रोक सके ना, रुपए की बेकदरी चीनी माफिया को लगाम दे सके ना गंदों माफिया को। पोस्टर बॉय ने नाकाम होते ही ज्यारे घर से ढूंढ कर एक और तजर्बा कार पाकिस्तानी को वजारत खजाना के लिए लाया गया मगर बेसूद जनाब, और भी पता नहीं कितने लाया गया, अभी मैं मसाले बहुत सी दे सकती हूँ लेकिन दूंगी नहीं, टाइम की कमी है हमारे पास और बातें बहुत सी हैं। इसमें जनाब एक नाम शेख था जनाब हफीज शेख का भी, बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे, मिट्टी को सोना बनाने का फन जानते थे, बस थोड़ा सा इंतजार करे, 2 साल बाद इंतजार खत्म हुआ तो बताया गया कि मासूफ तो महंगाई खत्म करने का मंत्र ही भूल आए थे जनाब, वो जादू जो उनके पास था मिट्टी को सोना बनाने का वो जादू ही कहीं पीछे छोड़ आए या शायद भूल गए, चलो कोई गल नहीं, कोई और जादू मंत्र करने वाला ढूंढ लेंगे। चले जी जहाँ पे हमारा सॉन्ग पीछे करते हैं, बंद हो गया था, मैंने सोचा पहले चेंज कर दूं।
करे पैसा। हफीज शेख के बाद जनाब जी आया, कौन आया? हमाद अजहर ने संभाली वजारत खजाना। दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ी कि चलो देर आए दुरुस्त आए, तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर की तरफ लौट तो आई, नौजवानों पर भरोसा कर रही है। एक दूसरा ख्याल आया कि मुशर्रफ दौर में हमाद अजहर के वाले मियाँ अजहर के साथ जो ना इंसाफी हुई थी, चलो उसका अजाला भी कर ही लेते हैं। मगर खुशी जनाब दरमियान में रह गई और शौकत तरीन वजारत खजाना बन गया। लेकिन जो कमालात उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में ना कर सके, वो उस दौर में क्या होने थे। चलो फिर भी कुछ नहीं होया। दिनों में माशियत कहते थे पाकिस्तानी माशियत को तगड़ा बनाएंगे। शोमी किस्मत हुकूमत दिन रात एक एक करके उन 200 लोगों को खोज लगा रही है जिन्होंने पाकिस्तान के दिन बदलने थे, मगर अभी तक बात 2-4 से आगे ना बढ़ सकी। हमारे में वो काम अच्छे लोग वो मिल ना सके। बहरहाल जी के कर सकते असी, कोशिश पूरी है कि क्या पता वो 200 लोग जो बासलाहियत हैं मिल ही जाए कभी ना कभी जिंदगी में। यहाँ पर जनाब एक ट्रैक जो है वो चेंज करते हैं और उसके बाद आप लोग के साथ साथ मैसेजेस शामिल करेंगे। ये मैं ट्रैक और लगाना था लेकिन ट्रैक और लग गया जनाब, माशाल्लाह चेंज कर रही हूँ मैं अगेन। और अभी ना मुझे मैं दोबारा कहेगी कि तुम कौन कौन से ट्रैक लगाती हो। बस मैं ट्रैक ठा के रख दिए थे इधर, मुझे नहीं पता था कि ये वाला ट्रैक ये निकलेगा। बहरहाल जी चेंज कर दिया अब हमने, मुस्तकबिल तो बन जाएगा तेरा। लेकिन यहाँ पर जनाब खुदा और मोहब्बत सॉन्ग प्ले करने की फरमाइश की गई थी, तो जनाब ये उनके नाम जिन्होंने फरमाइश की थी। फातिमा जोहरा बास है, कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फातिमा, क्या हाल है तुम्हारे? कहते हैं जी क्या हाल है आपके, सुन लो जी सारे कान खोल के, नहीं खोले तो फिर क्या होगा। फातिमा कहते हैं सुन लो जी सारे कान खोल कर, खुदा कबूल ना करे वो दुआ जिसमें मांगी हो आपकी तवज्जो किसी और ने। वाह फातिमा क्या बात है तुम्हारी, मतलब सारी तवज्जो तुम पे ही रही और किसी बंदे पे ना रहे। चलो गुड हो गया, खुश रहो ऐसे ही, हंसती मुस्कुराती रहो। जाहिद अली खुशाब से हैं जनाब, कहते हैं जनाब के जब कोई टूट के बिखरा था तो हम उसे समेटा करते थे। फराज आज खुद हैं, रेजा रेजा तो कोई पूछता भी नहीं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिमझिम। इतने सैड जाहिद अली खान, खैर ओ इतना परेशान नहीं रहते हैं जाहिद अली, और हमेशा खुश रहो आबाद रहो। और अल्लाह हमेशा किसी ना किसी के साथ जो भी टूट कर बिखरे, अल्लाह किसी को ऐसा मोड़ लाई नहीं कि कोई टूटे बिखरे। बहरहाल जनाब जब कभी ऐसा हो तो कोई समेटने वाला जरूर हो। उमैर मलिक हैं जनाब, कहते हैं बुरहान मलिक असद बुरहान फ्रॉम खुशाब फर्स्ट SMS, हाउ आर यू, शो इज वेरी नाइस, आई एम ऑल्सो गुड। मलिक उमैर और आप कैसे हैं? और आपने मेरे सवाल के बारे में नहीं बताया जनाब, सवाल के बारे में जरूर बताएं।
आसिफ आसिफ बिलाल फ्रॉम हडाली से हैं, सॉन्ग कहते हैं जी लगा दें। ठीक है जी, आपका भी सॉन्ग लगा देंगे, लेकिन अब साथ साथ आप लोग को बताती चलूं कि हम फेसबुक से भी लाइव हैं, तो फेसबुक वाले मैसेजेस भी जो हैं वो साथ साथ मैं शामिल करूंगी, लेकिन पहला हक जनाब 88-81 वालों का। और जुबैर है जनाब, जुबैर राजपूत है, जमीर अंजुम है, और इसके अलावा हमारे मार्केटिंग ऑफिसर हैं जी, और जुबैर जुबैर जो है वो इस्लामाबाद से है, हमारे डेली लिसनर है जो मैसेज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जुबैर, और जमीर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर अब्बास है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, शो इज गोइंग वेल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जितने भी मैसेज कर रहे हैं जनाब ब्लॉग, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, वो सारे खुश रहे, आबाद रहे। नुमान अली हैं, मोहसिन हैं, बहुत शुक्रिया सबका। आप सब जितने भी मुझे फेसबुक पर लाइव सुन रहे हैं जनाब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, ताकि बहुत से लोग हमें सुन सकें। रिजवान बशीर है जनाब, कहते हैं मैडम कहते जी अस्सलाम वालेकुम, आपको इतना इतनी खुशियां दें जितने आप सोच नहीं सकती, आमीन सो आमीन, आई लव यू टू, प्ले सॉन्ग तो कर दे, कह रही है ये कौन है मेरी बच्ची जो मुझे आई लव यू कह रही है। बहरहाल जी थैंक यू वेरी मच, आप लोग के प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। सॉन्ग कहते हैं जी बेवफा प्ले कर दे, बेवफाओं वाला सॉन्ग क्यों सुन रही हैं आप, इतना प्यारा मौसम और इतने खूबसूरत मौसम में इतने सॉन्ग सैड सैड नहीं सुनते, देखे मैंने भी सैड सैड सॉन्ग छोड़ दिए हैं। कहते हैं जी छोड़ कर चला जाना और याद बन जाना है बिछड़ने वाले, बहुत अच्छा मैसेज तो आपका है लेकिन अंदर से मिस प्रिंट है, तो उसके लिए माजरत, पूरा आपका मैसेज नहीं पढ़ सकूंगी। सादिया रफीक मैसेज करती हैं जनाब, इन्होंने उर्दू में मैसेज किया है कि कुर्बत के दिन लाऊं कहां से, आगे आपका जो मैसेज है आपने उर्दू में मैसेज किया तो नैन इसमें समझ नहीं आ रही, लेकिन सादिया मैं पूरी कोशिश करती हूँ इसको पढ़ने की। और यहाँ पर सॉन्ग चेंज करते हैं, दो बोल लगाते हैं जनाब, और उसके साथ आपके मैसेज शामिल करते हैं। जी जनाब यहाँ पर एक चेक टाइम का टाइम हुआ जाता है, और इस टाइम के बाद आता है फिर वापस आपसे गपशप होती है। अब आप ऐसा करें कि शायद बना नहीं, ठीक है आप बताएं जी आप कैसे हैं सर। चले आपके खिदमत में सबसे आगे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से
सबसे पहले मैं बाकी चीजें थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत सोचा कि क्या ले जाऊं, मुझे इससे अच्छा कुछ मिला नहीं। थैंक यू, इससे ज्यादा जरूरत नहीं थी, बट थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक अलहमदुल्ला, हम फेसबुक से भी लाइव है और देन आपका जो आप लाइव आना चाहते हैं अपने से? अगर हो जाए तो हाँ, मैंने कर दिया इनके साथ। वैसे जैसे आप लाइव हैं हमारे पेज पे। हाँ जी, वो कई लोग मेरे साथ मुनासिब रहेगा। सॉरी, मैं समझी नहीं, कैसे उनके पेज से लाइव आना चाहते? उनके पेज से हो सकता है, उससे भी हो सकता है, आप दे दें वहाँ से ऑन करके। यहाँ से भी आप लाइव है और अभी वैसे भी ब्रेक है। कई बार नेटवर्क इशू का वजह से कोई ना कोई इशू हो जाए, तो वैसे इस बार था मेरे फिर अभी ने पूछा था सुबह, तो मैंने बताया था कि होगा। दोबारा लाइव में आते हैं, चलने दो ना, क्योंकि अभी हाँ जी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसके अलावा भी कमर्शियल वगैरह का कोई हो ना, तो आप राबे से शेयर कर लीजिए। हम ठीक है, तो मतलब फिर लोगों को प्लान चेक कर लेते हैं साल का। सही है, क्योंकि मुझे उधर जाना पड़ेगा यहाँ से गुजर के। मैं कह रही हूँ अपना गाय निकाल लो, सामने से लेंगे तो लाइव होने बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच आप एवरीथिंग एवरीवन। आप लोग इतने मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। जुबैर है जी, नाम मलिक सना है, मोहम्मद इमरान है, राना नुमान है, अंसर मलिक है, राना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जमीर अंजुम है जी, जमीर अंजुम मैडम जी, अख्तर महमूद साहब को वेलकम, अख्तर महमूद साहब को वेलकम कर रहे हैं जमीर भाई, थैंक यू जमीर भाई। और इसके अलावा बाकी सब का भी बहुत शुक्रिया जी। खुशाब टीम को सलाम दे रहे हैं जी, थैंक यू वेरी मच। मलिक सना है, इशाल आपी हैप्पी रेन डे, थैंक यू वेरी मच आपको भी। शुएब अख्तर है जनाब, अच्छा आपके बेटे हैं जनाब शुएब अख्तर, कहते हैं मैं गॉड ब्लेस यू आप कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं लाइव फेसबुक से, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे खुश रहें, आबाद रहें, जहा रहें हंस से मुस्कुराते रहें। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, जैसे आप सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर कोहिनूर ग्रुप खुशा।
नाम है भरोसे का कोहिनूर ग्रुप, प्राय डाक्टर 0307-6073-995। मोहम्मद इमरान थैंक यू वेरी मच, आपको भी हैप्पी रेन डेज। बैर आपको भी, उमर नवाज है जनाब आपको भी थैंक यू। यू कह रहे हैं मैं ठीक हूँ जनाब, आप कैसे हैं? जी जनाब जमीर भाई ने अपना नंबर भी दिया है, ऐड कर लीजिएगा। जमीर भाई हमारे बड़े काम के बंदे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी फेसबुक से हमें लाइव इस टाइम सुन रहे हैं सबका बहुत शुक्रिया।
जी जनाब वेलकम बैक वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी ब्रेक पे आरजे इशार खान चली गई हैं, तो माजरत जनाब, जो जो ब्रेक होती है हमारे शो के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जितनी भी ब्रेक में लोग होते हैं या हम स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, हमारे शो को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी होती है जनाब। और इसके अलावा ब्रेक से पहले हम लोग अकेले थे और हमारे साथ अब एक गेस्ट भी शामिल हो चुके हैं, अख्तर महमूद साहब हैं जनाब, अल करम मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल है जनाब। तो उनसे आप गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। एफएम खुशाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, हाजिर हैं हम इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ लाए हमारे शो में। और उसके अलावा जनाब कहेंगे आपका तफसीली तारुफ अगर आप खुद करवाएं तो तालीम और तालीमी पस मंजर आपका। जी मैं बेसिकली कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से बीकॉम किया। उसके बाद तीन सब्जेक्ट में इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। कोई 174 कोर्सेज किए, एक सर्टिफिकेट किया सीटी। और उसके बाद तकरीबन 21 साल से तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गजाली स्कूल सिस्टम का एक नेटवर्क है, उसमें एज ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर्विसेज दी। उसके बाद गेट मी इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफिसर, एक कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ, यूएसएड का डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। और उसके बाद अब अपने दो इदारे हैं, द लर्नर्स इंटरनेशनल स्कूल जोहराबाद और अनकलम मॉडल स्कूल जोहराबाद, उन्हें मैनेज कर रहा हूँ। इसके अलावा ट्रेनिंग कंपोनेंट से वाबस्ता हूँ, तकरीबन 7,500 टीचर्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ पूरे पंजाब में, बल्कि केपीके में भी। और उसके अलावा 2019 में पुलिस डिपार्टमेंट का एक कोर्स होता है, उसमें भी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जो एसएचओज हैं, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स, उनके भी सेशंस लिए। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ है। सही, माशाल्लाह से जबरदस्त तो हो गया जनाब। एंड इसके अलावा जनाब एक और सवाल, तालीम जो आपका अल कलम मॉडल स्कूल है, कब बना और इसके बारे में कुछ बताएं आप? जी अल कलम मॉडल स्कूल बेसिकली एक मेरा ख्वाब था, उस ख्वाब की तकमील के लिए 2004 से हमने इसका स्टार्ट किया। इसका बुनियादी जो था वो इस्लामी तरबियत और मेयारी तालीम जदीद पेशा वराना उसलूब के साथ, मैंने ज़ुलुमात-ए-नूर के स्लोगन से हमने इसका आगाज़ किया। और 2004 से इसके बाद ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हो गया। सही। और पेफ के तावन के साथ अब यह है कि वहाँ पर बच्चों से किसी किस्म के कोई वाजबात नहीं लिए जाते, फीस नहीं ली जाती, किताबें मुफ्त मुहैया की जाती हैं। और तकरीबन 500 बच्चे वहाँ से जेवर तालीम और तरबियत से आरास्ता हो जाते हैं। जो उसकी ख़ास बात मैं कहूँगा वो बच्चों की तरबियत है, तरबियत पे शुरू से मेरा ख़ास फोकस रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अलकलम के फ्री स्कूल से भी पढ़कर आज बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं, लेक्चरर्स बन चुके हैं और अमली ज़िंदगी में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। सही हो गया। चलिए जनाब एक और सवाल आपसे है कि जोहराबाद को अगर स्कूलों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं है, ऐसे में आपने दी लर्नर इंटरनेशनल स्कूल कायम किया, एक नए स्कूल की जरूरत क्यों पेश है, क्या खास है इसमें? दो चीजें इसमें बतौर खास, एक तो यह है कि बिलाशुबा आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जोहराबाद स्कूलों और हॉस्पिटल्स का शहर कहा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक इदारे में हर चीज नहीं मिलती। मैंने जो 21-22 साल में सीखा तो मेरी ख्वाहिश थी कि कोई एक ऐसा इदारा हो जहाँ मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अपना विजन वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो ये एक इदारा मेरे ख्वाबों की ताबीर के लिए मैंने इसे स्टार्ट किया। एज यू नो जैसे इसका नाम भी शो कर रहा है, लर्नर्स, जहाँ सीखने और सिखाने का पूरा एक अमल वहाँ पर हो रहा है। इसमें जो ख़ास चीज़ है, सबसे पहले तो ये कि कुरान करीम
हमारी इब्तिदा, तुम्हें से बेहतर है वो शख्स जो कुरान सीखे और सिखाए। तो वहाँ पर बाकायदा कारिया पॉइंट है, गवर्नमेंट की तो अब पॉलिसी आई है इससे पहले से भी, और बच्चों को सेहत और तजवीद के साथ हम वहाँ कुरान करीम पढ़ाते हैं कि बिल्कुल इब्तिदा से। दूसरी जो खास बात है कि तालीमी सियाने कहते हैं कि बच्चा दो से लेकर छः साल तक उसने जो बनना होता है बन चुका होता है, बाद में हालात का प्रोटोकॉल उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग लाता है। तो हमने ये किया कि 19 चीज़ें हमने हाईलाइट की कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा करता है, यानी खाना पीना, कपड़े पहनना उतारना, शूज़ पहनना उतारना, वाशरूम जाना, सड़क क्रॉस करना, दुकानदार से डीलिंग करना, मस्जिद में जाना, वालदैन के साथ बिहेवियर, इन 19 चीज़ों को हमने सुन्नत के ताबे कर दिया कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा इसमें क्या कहते हैं, आप बच्चे से पूछेंगे कि पानी किस तरह पीना है तो बच्चा आपको ये बताएगा नहीं कि बैठ के पीना है, 3 सांसों में पीना है, बिस्मिल्लाह पीना, वो ऐसा करके दिखाएगा। तो हमने ये जो है उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाया, उनकी शख्सियत का हिस्सा, ताकि हम अगले जहान चले भी जाएं तो हमारा ये अमल जो है ये बदस्तूर चलता रहे। इसके अलावा मेरे इल्म के हद तक डिस्ट्रिक्ट खुशाब में किसी भी इदारे में इतनी जामिया किस्म की मॉन्टेसरी किट नहीं है जितनी हमारे पास मौजूद है कि छोटे बच्चों में प्ले ग्रुप और बिल्कुल इब्तिदा जो है उसे हवा से खमसा किया ब्यारी के साथ हमने ताबीर किया। हम ये समझते हैं कि इफेक्टिव लर्निंग वो है कि जिसमें बच्चे के मैक्सिमम सेंसेस इस्तेमाल हों, जो अल्लाह ने 5 सेंसेस इंसान को दिए हैं। तो हवा से खमसा जो है उनकी इस्तेमाल के लिए वहाँ हमने पूरा एक एक्टिविटी रूम बनाया कि जब बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम बड़े भी काम कर करके थक जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है, एक टाइम होता है कि आप कहते हैं प्लीज नहीं, बिल्कुल। तो बच्चे जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो बजाय ये कि बच्चे को प्रेशर बिल्ड करके उसे डांट के बिठा दिया जाए, वो फिर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता, तो हम उसे एक्टिविटी रूम में भेज देते हैं जहाँ वो बच्चा खेलता है कूदता है, वो भी तालीमी खिलौने हैं, मॉन्टेसरी किट है, बिल्कुल जो अब ग्रोइंग एज है बच्चों की। तो उसमें फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और एग्रेशन बहुत ज़्यादा बच्चों में आया है। तो हमने बाकायदा एक माहिर नफ्सियात का तकरर किया जो वीकली सेशन लेकर बच्चों की ये जो खामियां इन्हें दूर कर, वो मैं ना मानूं की जो जिद है बच्चों की उसको बड़े गैर महसूस और नफ्सियाती अंदाज में हम दूर करते हैं, और जो बच्चे नॉर्मल हैं उनको भी हम जो है नफसियाती तरीके तदरीस से उनकी परफॉर्मेंस को 15 से 20% एनहांस कर लेते हैं। इसके अलावा आप जानती हैं भट्टी हॉस्पिटल खुशाब का एक बड़ा मारूफ इदारा है, भट्टी हॉस्पिटल के साथ हमारा MOU है कि वो हर महीने बच्चों को फ्री मेडिकल चेकअप करते हैं, और अगर किसी बच्चे का कोई ज़्यादा मसला हो तो वो जाकर भट्टी हॉस्पिटल में उसे भी स्पेशल प्रोटोकॉल भी मिलता है और डिस्काउंट भी मिलता है। तो वहाँ की बिल्कुल मुस्तनद डॉक्टर्स की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम आती है जो हर महीने बच्चों को फ्री मेडिकल चेकअप। इसी तरह एनवायरनमेंट जो है वो हमने बिल्कुल बड़ा हेल्दी और प्लेजेंट एनवायरनमेंट, कोई टीचर बच्चे को तुम नहीं कह सकती, सही आपका माहौल, बच्चे की पूरी इज्जत नफ्स, उसकी ईगो, उसकी हैसियत उर्फी को मलहूज खातिर रखते हुए हम ये सर, और उसके साथ साथ ये कैंपस एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन कोई मुआशरती तफावत पैदा करने के लिए नहीं बल्कि इस बुनियाद पर कि अगर बच्चा बैठा है तो वो एक प्लेजेंट माहौल में बैठकर अपना असल काम करे जो उसका तालीम और तरबियत का काम है। तो ये हमारा इसी तरह इस्लामियात जो है हमारी, वो हमने मार्केट ट्रेंड से हटकर हमने इस्लामियात लगवाई है कि जो प्रैक्टिकल इस्लामियात है, यानी हम वहाँ नमाज परफॉर्म करके बताते हैं कि नमाज इस तरह पढ़ते हैं, वजू करके दिखाते हैं कि वजू, इसी तरह आप हमारे बच्चे को 3 माह के अंदर हम बच्चे को, छोटे बच्चे को इस काबिल करते हैं कि वो खुद अपने यूनिफॉर्म पहन ले, खुद अपने यूनिफॉर्म उतार ले, और जो बच्चा हमारे साथ बड़ा बच्चा 2 से 3 साल रह जाए तो उसे आप लारी अड्डे पे खड़ा करके किसी टॉपिक पे तकरीर करवा लें, बेहतरीन रिस्पॉन्स, वो भी अच्छी तकरीर कर जी, बिल्कुल इंशाल्लाह गुड हो गया जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा, मतलब आपका तो जा रहा है स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कोई आपके स्कूल में बच्चा क्यों दाखिल करवाए, क्या सोच के, इतने ज्यादा स्कूल्स हैं, इतने ज्यादा, तो उनमें से कोई आपके स्कूल में क्यों बच्चा दाखिल करवाए? बिल्कुल दुरुस्त पूछा आपने, पहली बात तो यह है कि जो मैंने इसके इम्तियाजी वस्फ आपके सामने रखे हैं वो जाहिर है ऐसे अट्रैक्टिव हैं। दूसरा जोहराबाद का आप अगर जोग्राफिया देखें तो रेलवे लाइन ने ना जोहराबाद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, तो मैक्सिमम तालीमी इदारे जो हैं वो शहर के एक हिस्से में हैं। नहीं सवाल मेरा आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि अट्रैक्ट करने के लिए तो इदारों ने बहुत कुछ रखा हुआ है, जी जी, जी हर इदारे में इसी तरह की फैसिलिटीज दी जा रही हैं। जी जी, तो आपके स्कूल में क्यों दाखिल करवाए? 2-3 चीजें, एक तो जो मैंने पहले इसके इम्तियाजी औसाफ गिनवाए वो इस काबिल है कि वहाँ बच्चे लाए जाए, दूसरी बात यह है कि हमारा हर वक्त इदारा खुला है, कोई बंदा
आकर चेक कर ले कि वहाँ जो कुछ हम क्लेम कर रहे हैं क्या वो सारा कुछ वहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा। हम जो अपनी मंथली अपने स्टाफ की हर महीने हम ट्रेनिंग करते और करवाते हैं, ओस्लो के इदारे के साथ हमारी MOU है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कोरोडोबा के डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर आए, नॉर्वे से आए, इस तरह बाकायदा टीम्स हम इनवाइट करते हैं जो हमारे टीचर्स को ट्रेन करती हैं कि जो जदीद तकाजे हैं। आप ये देखें कि फीमेल के फैशन है कितने जदीद से जदीद तर होते जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि तालीम में जदीद तहकीक रिसर्च ना हो। हम टीचर को भी गौर और फिक्र की दावत देते हैं और बच्चों को भी, बच्चे की जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है ना वो हमारे इदारे का इम्तियाजी वस्फ है और आप वहाँ पर खुद विजिट करें। मैं दावत देता हूँ पूरे जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है कि आप हमारे स्कूल को आकर देखें, और जब भी हम महाना मीटिंग करते हैं तो हम रुक कर ये देखते हैं कि जो कमिटमेंट हमने अपने अल्लाह के साथ की थी, जो हमने अपने पेरेंट्स के साथ की थी, जो इन मासूम बच्चों के साथ की थी, क्या हम उसे आनर कर रहे हैं या नहीं। हमारी मीटिंग का आगाज इस बात से होता है। तो जहाँ खुद एहतसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से हम हमा वक्त गुजरते रहते हैं तो जाहिर है उसमें इन चीज़ों को तो हम बतौर खास मलूज़ खाते रखते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि किसी भी बच्चे का बेहतरीन इंतखाब दी लर्नर्स इंटरनेशनल स्कूल जोराबाद है। सही जी, ठीक है, हमें दी लर्नर इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। तो जनाब खुला ऑफर है सबको कि आप लोग विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कहते हैं ना जनाब के आजकल स्कूलों में ना तालीम तरबियत शानदार दी जाती है लेकिन तरबियत का बहुत फुदकान है। इस बात का आपका नुक्ते नजर क्या है, क्या इस बात के जामिन है, जो आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? बहुत शानदार सवाल किया आपने। देखें हम जिस खत्ते में रहते हैं ना, आपके इल्म में होगा कि आपके खुशाब का जो दरिया है उसके ऊपर जो पुल था ना तो वो पुल बनने से पहले गिर गया था। ठीक है, तो ये करप्शन किसी अनपढ़ ने नहीं की, ये पढ़े लिखे ने की। हमारे यहाँ जो बड़ी करप्शन हैं, बड़े मगर बादशाह, वो सारे पढ़े लिखे हैं। फर्क क्या है कि उन्होंने तालीम तो हासिल की, तरबियत हासिल नहीं की। बुनियादी तौर पर हम अपनी तरबियत से दूर रहे, तालीम के साथ ताल्लुक रहा, डिग्रीज लेते रहे। मेरा अक्सर ये कहना है कि तालीम जो है ये महज डिग्री के उसूल का नाम नहीं बल्कि आपके फिक्र व अमल और आपके वजूद पर जो इसका असर है वो तालीम कहलाएगा। आपकी खलवत कैसी है ये तय करेगी कि आप कितने तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता और तहजीब याफ्ता हैं। सो बुनियादी तौर पर तरबियत के बगैर इदारों का होना ना होना बराबर है, वरना तो आप प्राइवेट भी पढ़ सकती हैं, लेकिन इदारे जो हैं वो बुनियादी तौर पर तरबियत का ही फरीजा अंजाम देते हैं। और हमारे लिए चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल पर्सनैलिटी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉर्मल एजुकेशन की बजाय अपने सहाबा कराम की फिक्री तरबियत की, दीनी तरबियत की, इस्लामी तरबियत की। सो जहां जिस इदारे में अगर दीनी फिक्री और इस्लामी तरबियत नहीं है तो मेरा ये फतवा है कि वो इदारा नहीं हम कह सकते पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, जो पाकिस्तान का आईन है, ये जाहिर है किसी भी जगह पर हमारे दीन से मुतसादिब नहीं होता और ना होना चाहिए। लिहाजा तरबियत, और मैंने अपने इदारों में जहां पर मौजूद हूं हमारी किसी बच्ची, हमारी किसी टीचर के सर से दुपट्टा उतरा हुआ आप नहीं देखेंगे। सही हो गया, ठीक है, और हम बच्चों की, हम अपनी टीचर्स की, बिलखसूस बच्चियों की फिक्री तरबियत का हम वक्त इंतजाम करते हैं, बल्कि हमारे जो ट्रिप्स होते हैं और दीगर जो हमारी सरगर्मी होती हैं, बॉयज गर्ल्स बिल्कुल सेपरेट होते हैं और उनमें बच्चों की फिक्री तरबियत को हम बतौर खास मलूज़ खाते रखते हैं। इसी तरह जहाँ भी मुझे मौका मिलता है ट्रेनिंग के सिलसिले में मैं जाता हूँ सेशंस के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, वहाँ भी बतौर खास इस चीज़ को मैं हाईलाइट करता हूँ। इवन जहाँ लिखता लिखाता हूँ जन रसायल में, वहाँ भी इस चीज़ को हम बतौर खास मलहूज़ खाते रखते हैं कि अपनी जो प्लानिंग है इदारों की, जो उसकी फिक्री असास है पाकिस्तान की, उसको खुदा रहा हम बरकरार रखें। बिल्कुल जनाब, ऐसी ही बात है। आप मास्टर ट्रेनिंग भी रहे और मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे, तो ये सफर कैसा रहा आपका? ये सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा। एक तो यह है कि गवर्नमेंट भी और प्राइवेट जो इदारे हैं, ट्रेनिंग अकेडमीज़ हैं, वो मुझे अच्छा खासा पे करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक इस काम का इफ़ाना नहीं लिया। ये मेरी अपने अल्लाह के साथ एक कमिटमेंट है, लिहाजा उस कमिटमेंट को निभाने के लिए। और
पाकिस्तान के तुल अर्ज में और बिलखसूस पंजाब में इस्लामाबाद से लेकर लाहौर से लेकर मियांवाली पखर से लेकर खुशाब मर्दान और इन सब इदारों में मुख्तलिफ जगहों पर मुझे मौका मिलता है टीचर्स के, क्योंकि देखें आपने अगर बच्चों को, तो आप कितने बच्चों को ट्रेंड कर सकते हैं, अगर आपने एक टीचर को ट्रेंड किया तो साल के 35 बच्चे ट्रेंड हो गए, क्योंकि वो रोजाना खाली स्लेट की तरह आपके पास आते हैं और आप उनके जहनों पर जो चाहे नक्श कर लें। बिल्कुल ऐसे। सो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी और विजनरी जो टीचर है ना, वो जरूरी है कि इदारों के अंदर शामिल हाल हों। और फिर प्राइवेट इदारों का एक ये भी मामला होता है कि टीचर्स पैदर पैद तब्दील होती रहती हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पे ऊपर, जहाँ दीनी टॉपिक्स हैं, तरबियती टॉपिक्स हैं, वहाँ पर उनके पेशा वराना जो टॉपिक्स हैं उन पर उनको बेहतरीन तरीके से ट्रेंड किया जाए। लिहाजा ये ट्रेनिंग का सफर बड़ा दिलचस्प भी है, और मजे की बात ये होती है कि जहाँ हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, बस औकात ये होता है कि हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, हम खुद सीख रहे होते हैं हर वक्त लर्निंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवारों तक इल्म हासिल करो, लहद से महद तक। तो ये जो सारा सफर है ना, इसमें हर वक्त लर्निंग प्रोसेस जारी रहता है, तो बड़ा दिलचस्प, बड़ा जबरदस्त होता है। हर जगह बंदे स्कूल विजिट्स करते हैं, हर जगह से नए आइडियाज। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं लगा कि वोकैबुलरी की कमी आ रही है, कि यहाँ पे अगर ये टॉपिक मेरे से पूछा गया ये इस बात कर रहे हैं तो इसके मेरे पास दिलचस्प वाक्य आपको सुनाता चलूँ कि रात सरप्राइजली मुझे कहा गया आफाक की तरफ से कि सुबह जो है ट्रेनिंग आपने मुबारक स्कूल सिस्टम है, बहुत बड़ा स्कूल सिस्टम सरगोधा का, आपने वहाँ टीचिंग ऑफ साइंस पे देनी है। तो मैं बुनियादी तौर पर आर्ट्स का तालिब इलम हूँ, साइंस की देनी, खैर जो कुछ थोड़ा बहुत हो सकता था मुताले किया, वहाँ पहुँच गया। अब मैं सादा सा बंदा था, वहाँ पर बड़ा जदीद माहौल था, तो जब मैंने कुरान करीम की आयात और हदीस वहाँ पर तिलावत की ना, तो चार टीचर्स खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि ये इस्लामियात की ट्रेनिंग है, ये साइंस की, और उन्होंने छोड़ दिया पंडाल। अब जाहिर है ट्रेनर का हौसला टूटता है। मैंने अपने अल्लाह से मदद मांगी कि मेरे अल्लाह मेरा भरम कायम रखना, मैं अक्सर ये दुआ करता हूँ। अल्लाह ने ऐसा भरम कायम रखा कि जूं अल्लाह ने वो फिक्र नजर के दरवाजे खोले, फिर जुबान चलती रही, डेढ़ घंटा, दो ढाई तीन घंटे पूरे हमने वहाँ किए, और अल्लाह ने वहाँ बहुत इज्जत बख्शी और बड़ा जबरदस्त वो सफर रहा। तो ऐसे कभी कभी बड़े जबरदस्त हो भी जाते हैं, और इंसान कभी भी अकमल नहीं होता, मजीद बेहतरी की गुंजाइश होती है। कई जगह पर यह एहसास होता है, तंगी दामा गालिब आती है कि मजीद बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगी मैं। आज का मेरा टॉपिक था कि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है, क्या सही है कि आपकी क्या राय है इसमें कि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है? इस हवाले से मैं दो चीजें कहूंगा, एक होता है नजरिया और एक होता है अमल। नजरिया के हवाले से तो ये बात बड़ी जबरदस्त है कि वाकई ऐसा ही है कि बंदा याद बन जाए, बोझ ना बने, लेकिन अगर अमली तौर पर देखा जाए तो ऐसा करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल, बल्कि शायद नामुमकिनात में होता है कि जो इस सफर के राही होते हैं। तो आप लोगों से भी मेरा यही सवाल है कि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जाने जनाब, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपसे गपशप रहेगी। स्टे ट्यून ऑन मॉम एफएम 94 खुशाब, एंड दिस इज मी आरजे शाल खान। Thank you.
एक चीज अगर आप पूछें कि सब लोग बीमारी हालात कैसे सुनने होते जो गरीब नादार यतीम के लिए आपके पास ₹6,000 है जी जनाब, वेलकम बैक। हमें कहते हैं इशाल खान और आपको क्या कहते हैं? आपने ये बताना है हमें मैसेज करके KBR space 9 and send 2111। और मेरा आज का सवाल था, बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे मैसेज शामिल नहीं हो रहे, तो जनाब अभी 5 मिनट के बाद आप लोग के सबके मैसेज जितने भी आ चुके हैं हमारे पास, आप सबके मैसेज शामिल करेंगे। अलकलम मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल अख्तर साहब आज हमारे साथ शामिल हैं शो में, तो इनको वेलकम करते हैं अपने शो में एक बार अगेन। और सर आपसे ये एक लास्ट सवाल मेरा है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो मुस्तहिक लोग होते हैं, जो अफोर्डेबल नहीं होते हैं,
उनके बहुत से ऐसे लोग हैं ना हमारे शहर में के ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, तो आपके स्कूल्स की फीसें जो हैं वो कैसी हैं, अप पे हैं, डाउन पे हैं, क्या है? फीसें से हट के शुरू से जब से मैं इस शोबे में शामिल हुआ हूँ, एक मेरा मकसद है, एक मेरा एम है कि तालीम का दरवाज़ा किसी बच्चे पर बंद ना हो, कोई भी बच्चा इस वजह से अच्छी तालीम और तरबियत से महरूम न रहे कि उसके पास माली वसाइल नहीं है। हमारे पास शुहदा हैं, उसके अलावा यतीम बच्चे हैं, इनकी फीस तो अपनी जगह, इनकी यूनिफॉर्म, इनके शूज़, इनका सब कुछ इदारे की तरफ से होगा। एक बात, अलकलम में तो वैसे सब कुछ फ्री है, तो ये लर्नर्स की बात कर रहा हूँ, वो भी उन्हीं बच्चों की के साथ बैठेगा जहाँ लर्नर्स के पूरे और पूरी इज्जत नफ्स और खुददारी के बाद, इवन बच्चे को भी नहीं पता होगा कि उसकी फीस कहाँ से आ रही है, उसके पेरेंट्स दे रहे हैं या वो फाइनेंस हो रहा है। तो इस जमन में, और दूसरे बच्चे जो माली तौर पर जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, बाकी इदारा अफोर्ड करेगा। एक तो ये सलाह आम है याराने नुक्तदा के लिए कि जब भी कोई इस तरह का केस जो जेन्युइन केस हो तो हम उसके लिए बिल्कुल हाजिर बैठे हैं, और जितने भी बच्चे हैं इनकी कोई तादाद मखसूस नहीं तो हम वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे मींस जो आपके साथ इसमें साथ दे रहे होंगे। जो तालीम का मामला है इसमें तो मतलब है इदारा ही कर रहा है, हम किसी से वो मदद नहीं लेते, बल्कि ये जो हमारी टक शॉप होती है उसकी जो अर्निंग होती है वो हम वहाँ लगाते हैं, बाकी जो पर्सनली हम दोस्त होते हैं हम वो करते हैं। तो दीगर लोग भी बाकी मामलात में इनसे हटकर, ज़ाहिर खैर और भलाई का हर फर्द का एक मामला होता है, तो हम दोस्तों ने मिलकर कुछ एक अलखिदमत फाउंडेशन है उसके प्लेटफॉर्म से, मैं शहर का सदर भी हूँ, लिहाजा उस हवाले से भी हम गरीबों में, यतामा में, मसाकीन में, मतलब मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ काम करते रहते हैं। और आपको शायद इल्म ही होगा कि बर आज़म एशिया की पाँचवीं सबसे बड़ी NGO है अलखिदमत फाउंडेशन, तो उसके प्लेटफॉर्म से हम अल्हम्दुलिल्लाह लाखों नहीं करोड़ों रुपए इस वक्त तक लगा चुके हैं, तकरीबन 42 आर्फन्स को भी हम वहाँ पर स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये खैर और भलाई का सफर बिल्कुल जारी है। सही हो गया, चलें जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर आप, और अल्लाह आपके इसमें ऐसे साथ दे और लोग भी आपसे ऐसे जुड़ते रहे साथ साथ। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब यहाँ पर साथ साथ लाइव कॉल्स लेते हैं, क्योंकि लाइव कॉल्स पिछले शो में भी मैंने नहीं ली थी, तो बहुत से लोगों की कॉल्स आई थी कि आपने लाइव कॉल्स नहीं ली, तो आज लाइव कॉल्स भी आपके साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जन मैं आपको शो काफी देर से, हाँ जी हाँ जी जी, मैं आपको शो काफी देर से देख रही हूँ, मैं जोरावर से बात कर रही हूँ। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नाम तो बताया ही नहीं आपने जी। जनाब ये कोई बच्ची थी आई थी, कहती है कि आपको शो काफी देर से सुन रही हूँ, तो थैंक यू वेरी मच बच्चे, आप जो भी थी जहाँ से भी थी बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर जनाब साथ साथ आप लोग के मैसेजेस शामिल करते हैं, क्योंकि आपको लोग के मैसेजेस बहुत ज्यादा आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी, कौन कहाँ से? जफर इकबाल जी। जफर इकबाल भाई, कैसे हैं आप? सर आपसे सवाल है कि अगर आपसे रब्ता करना हो तो कैसे करेंगे? स्कूल टाइम में जी 8:30 से लेकर 2 बजे तक एक तो मैं स्कूल के अंदर मौजूद होता हूँ, और दूसरा हमारा स्कूल का नंबर है, उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे अपने पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हर वक्त हम मौजूद होते हैं, जिस वक्त तशरीफ ले आए। ठीक हो गया जफर इकबाल भाई। जी 03 चले, वो नंबर बोल रहे हैं, आप नंबर नोट कर 03006075058 0360। चले जी एंड पे मैं बता दूंगी, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल भाई। सलाम, बहुत बहुत वेलकम।
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये सफर इकबाल भाई थे, हमारे रेगुलर लिसनर हैं जनाब, तो वेलकम करते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इनका कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जनाब इनका नंबर जो है वो एंड पे हम दोबारा बता देंगे, अभी जब लास्ट में अगेन रिपीट कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, जी जनाब कौन कहाँ से? जी सर कैसे हैं आप? नहीं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहे अबाउट टॉपिक का, बोझ बन के रहना अच्छा है याद बन के रहना अच्छा है? क्या भाई, अच्छा इस टॉपिक को छोड़े, आप हमारा शो सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे हमारे मेहमान से, कोई सवाल आपका? अच्छा वैसे ही कॉल किया आपने, जी बताए। नहीं इंडियन सॉन्ग नहीं लगाते हम, जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच जी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जनाब। और यहाँ पर हमारा पीछे से ट्रैक खत्म हो चुका है, तो ट्रैक चेंज करते हैं जनाब, और उसके बाद बहरहाल जी जितने भी कॉल्स आए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहरहाल सर कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दूसरा मौका है, एफएम ने मुझे इज्जत बख्शी, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको, आपके इदारे, राना ज़हीर साहब, आपकी पूरी टीम, ज़मीर अंजुम साहब बहुत प्यारे मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, अल्लाह ताला आप सबको दुनिया की और आखिरत की खुशियां अता फरमाए, पुरखलूस दुआएं। तो आप हमें स्पॉन्सर दे रहे हैं अपने स्कूल का? बिल्कुल इंशाल्लाह हम हाजिर, तो हमारे ज़मीर भाई अब आपके पास पहुंच जाएंगे अपना स्पॉन्सर लेने के लिए इंशाल्लाह। तो ज़मीर भाई आपकी जगह इस बार स्पॉन्सर मैंने ले लिया है, लेकिन लेने आप ही जाएंगे। और इसके थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, रखे आपके इदारे को यूं ही अल्लाह ताला तरक्कियां और इज्जतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, थैंक यू वेरी मच। आप लास्ट में सर कुछ कहना चाहें? बस मेरा बुनियादी तौर पर वालदैन से कि हम में से हर शख्स जो है ना हालात का नोह पीटता है, हालात खराब हो गए, ये हो गया, वो गया, हम ये नहीं देखते कि हालात की बेहतरी में मेरा क्या किरदार है, बिल्कुल इस माशरे को संवारने में मेरा क्या किरदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर शख्स राइय और उससे रैयत के बारे में क्यामत के रोज सवाल होगा, बिल्कुल। तो जितनी हमारी जुरिस्डिक्शन है, जहां हमारा घर है, हमारा वसेब है, हमारा गली मोहल्ला है, हमारे इदारे हैं, जो हमारा पाकिस्तान छोटा छोटा है, उसे हम कितना टाइम दे रहे हैं, कितना वहां पर खैर भलाई और फलाह का काम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है हम सब के लिए। हम में से मुआशरा और लोग नहीं होते, मुआशरा हम ही है, हम दुरुस्त हो गए तो मुआशरा दुरुस्त हो गया, ऐसा ही हम खुद में नहीं देखते हम क्या करते हैं, लेकिन दूसरों पे ब्लेम हम बहुत करते हैं। हमारा तक्वा अमूमन हमारी नाक से आगे शुरू होता है, बिल्कुल ऐसा ही, इसलिए जो है मुआशरे में खैर बांटे, मुआशरे में खैर की बहुत जरूरत है। बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं सर आप, और थैंक यू वेरी मच सर, और एंड पे आप अपना नंबर जरा रिपीट कर दीजिए। जी मेरा नंबर पर्सनल नंबर जो है 03006075058 03605508। ठीक हो गए, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। और जनाब यहाँ पर अब एक ट्रैक शामिल करते हैं और फिर आप लोग के जो मैसेजेस होंगे वो शामिल करेंगे। जी जनाब यासिर से, यासिर हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आरजे आप? मैं ठीक हूँ, काइंडली प्ले द ट्रैक परदेसी जिशान रोकड़ी का। तो बहुत शुक्रिया यासिर आपका मैसेज करने का, और आपका सॉन्ग जरूर प्ले करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी सॉन्ग प्ले करने की।
और सॉरी टू से कितने मैसेजेस आप सबके आ चुके हैं और लेट हो गए मैसेजेस जनाब, तो हमारे गेस्ट साथ थे तो इस वजह से मैसेजेस थे वो जो मैंने कहा बाद में शामिल करते हैं। फातिमा जोहरा बाद से है, कहती हैं ये आपके लिए आपकी जिंदगी में खुशियों का इस कदर हजूम हो, आपकी जिंदगी में खुशियों का इस कदर हजूम हो कि हम गुजरना भी चाहें तो उनको रास्ता ना मिले। आमीन सुम आमीन, थैंक यू वेरी मच। और कहते हैं मैं स्पेशल वाली चाय पियेंगे वही वाली, तो फातिमा मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगी, बहुत शुक्रिया। और अगर तुम्हें पिलानी है तो घर से बना के लेके आना मेरे लिए, फिर मैं पी लूंगी। तो हीज यूनस है जनाब 60 MB से साथ चाहते सिस्टर, आप तो आप आई तो कहते हैं सिस्टर आप आई तो तमाम सुनने वालों को सलाम, और मैं आपको आप जिगर का मसला आप दुखी बातें प्लीज बता दे कि मेरी अम्मी की तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम जनाब, आपका ना मैसेज मुझे समझ नहीं आया, जिगर का मसला है किसका मसला है किसको मसला है ये मुझे समझ नहीं आया जनाब, लेकिन बहरहाल जी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो अल्लाह आप लोग को शफा दे और हमेशा ठीक रहें आप। और जनाब यहाँ पर एक ट्रैक तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, बहुत दिनों के बाद मैं शामिल कर रही हूँ और ये महीना को डेडिकेट कर रही हूँ कि हिना तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। बाद में हिना अब मेरे से लड़ेगी ये मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये फिर भी उसको डेडिकेट कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जनाब सिस्टम में आई थी, जाहिद अली खान है खुशाब से, कहते हैं पूछेंगे हमारा हाल जो पूछते थे अब तो वो अपना हाल भी बताना छोड़ गए। ओहो जाहिद अली कौन आपका हाल पूछते पूछते छोड़ गया, बुरी बात होगी, वैसे कोई बात नहीं आप दोबारा पूछ लिया करें जी, अनाए नहीं होनी चाहिए, जिनमें रिश्तों में प्यार और मोहब्बत होती है उनमें अनाए नहीं होती है, तो आप पूछ लिया करें जनाब के जो आपसे हाल नहीं पूछता आप तो पूछ लिया करें। के बी आर लिखा है जी, कहते हैं और आपका क्या हाल है, पहली बार SMS कर रहा किया है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ नाम नहीं लिखा तो नाम लिखा करे जनाब, जब आप नाम नहीं लिखते तो हमें पता नहीं चलता कि कौन कहाँ से सुन रहा है हमें। और सादिया से कहूंगी, सादिया रफीक से बहुत शुक्रिया सादिया आपका भी मैसेज करने का, लेकिन आपने उर्दू में मैसेज किया तो देन वो शामिल नहीं कर पा रही क्योंकि वो मिस प्रिंट है उसमें और समझ नहीं आ रहा। फातिमा का शुक्रिया, शकील रमजान है जी, कहते हैं कि मेरी चाहत है आपका आपके ऑफिस में आने की, और आप बता दें कि जी जनाब शकीर रमजान है, कहते हैं कि इनकी चाहत है जी हमारा FM देखने की, तो वेलकम जनाब, आप जब जिस टाइम आए FM देख जाएं कोई मसला नहीं है जनाब, FM के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं कि जब जिस टाइम आए वो देख सकते हैं, आए हैं देखें, बस उसमें मसला ये होना है कि उसमें हम नहीं होंगे। आइए फ्रॉम जोराबाद से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, एजुकेशन इज टू मच एक्सपीरियंस नाउ डे, और कहते हैं जी व्हाट इज पॉलिसी फॉर द नीड स्टूडेंट फॉर योर स्कूल। तो आयशा इस सवाल का जवाब ऑलरेडी सर दे के जा चुके हैं, और बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने का, और सॉरी आपका मैसेज शामिल नहीं कर पाई क्योंकि हमारे सवाल इतने थे, टाइम बहुत कम था, तो सर से हमने जो सवाल किया वही आपका सवाल था, वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, होप सो आपको उसका सवाल का जवाब मिल चुका हो।
डॉक्टर बिलाल नियाज़ी हैं जनाब खुशाब से अली टाउन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? कहते हैं क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? शो इज नाइस, बहुत शुक्रिया आपका, आप कैसी समाते हैं जो मेरा शो आपको अच्छा लग रहा है जनाब। और कहते हैं तमाम सुनने वालों को सलाम। अबाउट टॉपिक, टॉपिक के बारे में कहना चाहूँगा कि किसी की जिंदगी में बोझ बनकर रहने से बेहतर है कि याद बनकर रहा जाए, क्योंकि बोझ तो हमेशा बोझ ही रहेगा, पर अगर वही बहुत जो है याद बन जाए तो वो शख्स बोझ को याद करके रखेगा। इतना लंबा मैसेज है आपका डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने सारा मैसेज आपका पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके मैसेज करने का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात आपने किया जनाब कि किसी की भी जिंदगी में बोझ बनकर रहने से बेहतर होता है कि उसकी अच्छी यादें बनकर, उसकी अच्छी यादें छोड़कर जाएं और अच्छी याद बनकर चले जाएं। ये ना हो कि आप बोझ बनकर रहें और एंड पे वो आपको बुरे लफ्जों में याद रखे। तो जरूरी है जनाब कि अच्छी याद बनकर चले जाएं। जी है जनाब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है तुम्हारे? और मुझे कहते हैं क्या हाल है आरजे सिस्टर, प्रोग्राम अच्छा होता है, बारिश हो रही है। जी जनाब, बारिश में भीग भीग के हम भी आए हैं, लेकिन पहुंच आए आपके सीन समातों को एंटरटेन करने के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, आपका भी मैसेज करने का बहुत शुक्रिया। और आज मेरे बहुत से लिसनर जो हैं वो गायब हैं, क्योंकि पहले मैं मैसेज शामिल नहीं कर रही थी गेस्ट के आने की वजह से। बहरहाल जी, जितने भी लोगों ने मैसेज किया उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, वो सारे खुश रहे, आबाद रहे। लेकिन सरगोधे वाले एज यूजल आज भी सोए हुए हैं, उन लोगों के मैसेजेस आज भी शामिल नहीं हुए। लव मीटर भी कोई हमारा चेक कर रहा है जनाब, तो बहुत शुक्रिया जो भी चेक कर रहे हैं। जाहिद इकबाल है वादी सून से जी, कहते हैं आप ठीक हो जी? जी मैं ठीक हूँ, आप कौन है जनाब? आप ठीक है? टाइम जनाब हमारे पास बहुत कम रह चुका है, और जिन लोगों ने मैसेजेस किए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे खुश रहे, सब आबाद रहे, और जहाँ रहे, जिधर रहे और जिस हाल में रहे, सारे खुश रहे। आप सब लोगों की तो जनाब, जितने भी लोग मुझे फेसबुक पर ज्वाइन किया हुआ था, जिन लोगों ने, उन सब का बहुत शुक्रिया। इसमें जनाब शुएब अख्तर हैं, मैविश अली हैं, ओज सनम हैं, थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने ज्वाइन किया मुझे। मिशाल अली हैं जनाब, कहती हैं कि ग्रेट एंड शो का नंबर बता दे। अब्दुल लतीफ कह रहे हैं तो शो का नंबर जनाब अभी आप आपके कॉल्स नहीं ली जाएंगे, बहुत थोड़ा टाइम रह गया। जमीर अंजुम है, जमीर भाई बहुत शुक्रिया आपका। शुएब अख्तर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शेब अख्तर कहते हैं जी मेमोरीज लीड अ डिप्रेशन एंड डिप्रेशन इज अ वेरी बैड थिंग। जी मेमोरीज जो होती हैं वो यादें अच्छी हों या बुरी हों, यादें अपनी होती हैं, यादें दिल में रहती हैं, और किसी की जिंदगी में बोझ बन के रहने से बेटर होता है शेब अख्तर कि याद बन के रहो। यादें जो होती हैं ना, चाहे वो तकलीफ भी दें तो यादें अपनी होती हैं। बहरहाल आपने मैसेज किया उसका बहुत शुक्रिया। और सनम कहती हैं जी यू वेलकम, तो बहुत शुक्रिया आरजे इशाल खान, खुश रहें हमेशा। बहुत शुक्रिया सनम, आप भी बहुत खुश रहें हमेशा। यासिर नईम अमान है, कहते हैं मैं भी हूँ, तो बहुत शुक्रिया यासिर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और उसके अलावा दो मिनट रह गए जनाब, तो दो मिनट में मैं जितने मैसेज शामिल कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। और इसके अलावा जनाब गुलाम फातिमा है, गुलाम फातिमा आपका भी बहुत शुक्रिया। मियाँ फैसल शहजाद हैं, ग्रेट मेहमान, थैंक यू वेरी मच मियाँ फैसल।
मोहम्मद हसीब हैं जनाब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसीब। मोहम्मद इमरान है आरजे, आपके गेस्ट को वेलकम, बहुत शुक्रिया। अंसर मलिक है, बहुत शुक्रिया अंसर मलिक, आपका भी शो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मलिक उस्मान है, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका भी। जुबैर है, जुबैर आपका भी बहुत शुक्रिया जुबी। राना नुमान राजपूत हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। जनाब जितने जिन लोगों ने मैसेज किए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सारे खुश रहें आबाद रहें। साबरी शाह हैं जनाब, कहती हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साबरी आपका भी, आप भी हमेशा खुश रहें आबाद रहें। और मेरे शो को लाइक करने के लिए बहुत शुक्रिया, जितने भी जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं आप सब लोग बहुत खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें। और ज़िंदगी में अल्लाह पाक आपको कभी भी किसी भी किस्म का कोई भी दुख ना दे। जी जनाब हमारे जाने का टाइम आ चुका है जनाब, अच्छी यादों में याद रखिएगा, कोई गलती कोताही होगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अपने और अपने से रेलिवेंट हर रिश्ते का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कहते हैं इशाल खान, और इशाल खान को दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमेशा खुश रहें आबाद रहें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।